क्या है प्रोजेक्ट सीबर, क्यों है चीन और पाकिस्तान खौफजदा? किसी देश की आधारभूत संरचना की मजबूती से पता चलता है कि कोई देश असल में कितना मजबूत है। भारत सबसे ज्यादा ध्यान इसी आधारभूत संरचना पर दे रहा है। हम सब जानते हैं सैन्य ढांचे आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में चमत्कारिक गति से काम करते हुए शानदार प्रगति की है। ऐसी ही एक परियोजना है प्रोजेक्ट सीबर्ड। यह परियोजना कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे पर चल रही है, जिसे दो चरणों में विभाजित किया गया है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और अभी परियोजना के दूसरे चरण पर काम चल रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मुंबई में भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े को वाणिज्यिक शिपिंग, यातायात, मछली पकड़ने वाली नौकाओं और पर्यटकों से शिपिंग लेन में भीड़ के कारण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को दूर करने के लिए युद्ध के बाद कई विकल्पों पर विचार किया गया। पश्चिमी तटों पर एक बेस के लिए वैकल्पिक स्थानों को ढूंढा गया, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और थुथुकुडी शामिल थे। 1980 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल ऑस्कर स्टेनली डॉसन ने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और अरब सागर के बीच कर्नाटक राज्य में कारावार के पास एक समर्पित नौसैनिक अड्डे का प्रस्ताव रखा था। हालांकि 1991 के आर्थिक संकट सहित कई कारणों से इस प्रस्ताव के आगे बढ़ने में देरी हुई। 1999 में दूसरे पोखरण परीक्षण के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कारवार में नए नौसैनिक बेस के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट सीबर्ड को मंजूरी दी। कारवार नौसैनिक बेस मुंबई और गोवा में भारतीय नौसेना के ठिकानों के दक्षिण में और कोच्चि के उत्तर में स्थित है। यह बेस दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग फॉरस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बहुत करीब है। इसके अलावा यह पड़ोसी देशों के सबसे मार्ग विमानों की पहुंच से बाहर है। यहाँ एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, जो बड़े विमान वाहक युद्धपोत को समायोजित करने में सहायक है। यहाँ अन्य जरूरी विस्तार के लिए काफी क्षेत्र है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा, जो सशस्त्र बलों की सैन्य अभियान संबंधी तैयारियों को और मजबूत करेगा तथा व्यापार, अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता संबंधी अभियानों को बढ़ाने में मदद करेगा।